लेकिन डर का बहुत महत्व है। वहीं पे डर है, उस समय थोड़ा ज्यादा डर था। हम देख रहे हैं तो मेरा पहुंची हाय हाय इमरजेंसी की हाइट में ये किसकी जरूरत। मेरे फादर ने कहा बहुत हो गया, तुम चुपचाप गर्दन रख। क्या हम इक्वल सोसाइटी हैं? नहीं। जिस दिन हमारी चाइना से अगर तकरार हुई और रशिया ने कह दिया नहीं हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस को काफी नुकसान हो सकता है। हमारा थोड़ा बहुत तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इमरजेंसी का, वो दौर क्या था वो है दो मिनट में इसके बारे में कहती हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी मेरा ख़त्म हो गया था, एमए ख़त्म किया था और मैं समय प्लान कर रही थी कि आगे क्या करना है। चलिए इमरजेंसी अचानक आई, हालांकि मैं दिल्ली में रहती थी, हमें कुछ खबर नहीं थी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। और जब हुआ तब भी हमें समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। अचानक पता चला कि अखबारों पर सेंसरशिप है, कुछ कुछ कि बहुत नेता अरेस्ट हुए, लेकिन ये भी नहीं पता चला कि कौन अरेस्ट हुआ, कब कैसे अरेस्ट हुआ, क्योंकि ये सब नहीं छपा उस समय। तो धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते, कभी कभी कोई पैम्फलेट मेल में आ जाती थी क्या चरण से इस तरह, लेकिन डर का बहुत महत्व है। आज भी डर है, उस समय थोड़ा ज़्यादा डर था शुरुआत में इमरजेंसी, क्योंकि सारी ऑपोजिशन करीबन अंदर थी और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे आगे क्या होगा, कैसे चले। मेरे भी कई जान पहचान के दोस्त लोग थे जो उस समय अरेस्ट हुए थे। तो एक प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानते थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी में कुछ पैम्फलेट लेके घूम रहे थे झोले में, वो पकड़े गए। तो बात है फिर उनके साथ थे उनके रूममेट जो थे जिनको मैं ज़्यादा जानती थी, वो पकड़े गए। उनका कुछ लिंक था किसी एमएल ग्रुप से। हम जैसे को ये भी नहीं पता था कि कौन सा एमएल ग्रुप, मुझे क्या नाम है, लेकिन वो पकड़े गए हैं। उसके बाद उनके पास एक डायरी उन्होंने रखी हुई थी, उनकी डायरी में जितने भी कॉन्टैक्ट थे सब एक एक घर पुलिस पहुंच गई पूछताछ। पहली बारी जो पुलिस मेरे घर आई तो वो भी जरा देखने लगा कि छोटी सी लड़की भी है, ये इसको मैं पूछताछ इससे पूछताछ करते हैं। उसने बोला मैं फला एक प्रोफेसर हीरा सिंह जो है वो स्पॉन्डिंग है, सरकार को उनकी ज़रूरत है, आप जानती हैं कहाँ है, आप कैसे जानते हो, हाँ है नहीं है, ये सब वो सब थोड़ा बहुत पूछताछ करके बंदा चला गया। कुछ समय बाद उनके जो साथी थे रूममेट जो थे वो स्कूल में शायद वो पढ़ते थे उस समय, उनको ढूंढते ढूंढते पुलिस वाला आया एक घर में, तो इसी तरह से उसने भी पूछताछ करी। तो खैर अब पुलिस आपके यहाँ पूछताछ करने आए तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है, ये तो क्या करें, वो भी वक्त निकला। उसके बाद जो मेरे ये था कि एक हादसा मुझे याद है कि JNU में मैंने एडमिशन कराने की कोशिश करी थी MA हिस्ट्री के लिए। तो मैं अंग्रेजी की स्टूडेंट थी पर लिटरेचर हिस्ट्री का एग्जाम एक लंबा चौड़ा पास किया और सात लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था, ग्रेटेस्ट इंटरव्यू व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, स्टार्टिंग एस गोपाल प्रमिला थापड़ी, खैर वो भी पास हुआ। बाद में पता चला कि जी आपका नाम काट दिया गया, क्योंकि उस समय JNU अपने पुराने छात्रों को वापस रीएडमिट नहीं करना चाह रही थी, MA MPhil में PhD के स्टूडेंट्स जो उनके थे, मतलब जो एस्पायर कर रहे थे, प्रकाश कारण जैसे एक नाम थे कई लोग एक्टिविस्ट, उनको वो एडमिट नहीं करना चाह रहे थे। इस चक्कर में हमारा भी स्टूडेंट्स यूनियन का रिकॉर्ड था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मुझे भी मेरा नाम भी उसी चक्कर में कट गया।
उसके बाद मेरे फादर ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया क्योंकि जे एन यू में कुछ लोग थे कह रहे थे प्रोटेस्ट करो। मेरे फादर ने कहा बहुत हो गया, तुम चुपचाप कर लेते, आई वाज अंडर हाउस अरेस्ट बाय द फैमिली, वो भी बंद नहीं था। तो अलग अलग चीज़ें थी जो बहुत सुनते थे एक दूसरे से कि इसको अरेस्ट हुआ वो हुआ इसकी पूछताछ हुई, ये सब सुनते रहते थे। खैर जे एन यू में एडमिशन नहीं हुई तो बाई डिफॉल्ट आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। मैंने जर्नलिज्म पढ़ी और नौकरी करी। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं यहाँ एटीओ के सामने एक दिन खड़ी थी, जैसे 5 बजे दफ्तर से निकलते हैं तो एक बस खड़ी हुई, जेल लाइन जोर से लोग चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी आया है। हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी हाय हाय इमरजेंसी की हाइट में, ये किसकी जरूरत। दे वर ऑल प्रिजनर्स इन दैट जेल वैन और उनमें से कई पहचान के लोग थे जैसे कि अरुण जेटली क्योंकि वो हमारे कंटेम्पररी थे यूनिवर्सिटी में, चिराग खन्ना, ऐसे ऐसे कई लोग थे। तो हम उनकी तरह देख रहे थे कैसे हो और वो सर हिला रहे हैं कि ठीक है। तो ऐसे कई हादसे मुझे याद है इमरजेंसी के, दिस इज बाय द वे क्योंकि माहौल कुछ अजीब ही था, बहुत अलग था। आज का माहौल थोड़ा फर्क है बिकॉज देर इज नो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अब ये तो दिस इज जस्ट माई पर्सनल रिकॉलेक्शन। लेट मी टॉक अबाउट द प्रोमिसेस दैट वी मेड टू आवरसेल्व्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज का सब्जेक्ट है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। आपने जस्टिस नहीं इसमें डाला है लेकिन चलिए हम जस्टिस का जो सिचुएशन है हम सभी जानते हैं तो उस पर क्या कॉमेंट किया जाए, लेकिन बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा बोला जा सकता है मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह से। तो इक्वालिटी को लेके क्या हम इक्वल सोसाइटी हैं? नहीं, हम पार्टीशन के टाइम भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे और बेसिकली वी आर अ फ्यूडल सोसाइटी। अर्बनाइजेशन हो गया है लेकिन अभी भी वो कास्ट और उसका फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुआ है। सो माइंडसेट जो है अभी भी वही है। पार्टीशन के बाद कुछ कोशिश जरूर हुई थी, ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी कई तरह से आए। एक था कि थोड़ा लैंड रिफॉर्म की कोशिश करी गई सरकार ने करी थी, बट जरा मैंने डील में लैंड रिफॉर्म और खासतौर से यूपी जैसे स्टेट्स में बहुत चैलेंजेस, जहाँ ज़मीन आपकी सरकार ने हथियाए तो वहाँ पे आप कोर्ट चले गए और हमारा जस्टिस सिस्टम में 10-20 साल कोर्ट में पड़े रहे, मामले चलते रहे। कुछ ज़्यादा लैंड रिफॉर्म स्पेशली इन स्टेट्स में क्योंकि नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में भी हमने देखा बाद में जाके कि लैंड स्ट्रगल्स बहुत सारी हुई, कई जगह लैंड स्ट्रगल्स हुई एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कंटिन्यूइंग फ्यूडलिज्म जमींदारी सिस्टम। इंदिरा गांधी ने कई पॉपुलिस्ट मेजर्स दिए, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन तो दिया ही, उन्होंने प्रिवी पर्स भी हटा दिए, जो महाराजा के स्पेशल पर्सेस थे वो हटाए गए कि भाई समानता हो, अब ये राजे महाराजे का जमाना दिया। तो ऐसी कई चीज़ें सरकारों ने करी, लेकिन हाँ स्कूलिंग भी थोड़ी बढ़ाई गई। और राजीव गांधी के समय में एक नेशनल लिटरेसी मिशन था, ऐसे कई अटेम्प्ट्स थे टू गिव फॉर सोसाइटी प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रेटर इक्वालिटी। अब आप जानते हैं 91 के बाद से पोस्ट लिबरलाइजेशन सरकारी नौकरियां भी घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। नंदिता आपको सारा बताएंगे क्या हाल है। और सिर्फ वही नहीं, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, जितना प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर का हुआ है और जो शायद आगे हो, दैट मीन्स कि जो रिजर्व जॉब्स थी, जो रिजर्वेशन था
वो सब खत्म हो गया। हाँ, जहाँ जहाँ लेफ्ट की सरकारें रही हैं थोड़ा बहुत इन स्टेट्स में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में कुछ कोशिशें हुई हैं, जैसे ऑपरेशन बढ़ता हुआ था वेस्ट बंगाल में, लेकिन केरल में भी थोड़ा डेवलपम हुआ बाद में। ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे कि कुटुंबश्री प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब तो स्थान हो कुछ कमा सकें, कुछ क्वालिटी आ सके। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट थिंग, इट्स नॉट नेशन वाइड, इट्स ऑन द कंट्री, हम तो पीछे ही जा रहे हैं कि क्वालिटी के मामले में। न्यूलिबरलिज्म का ही असर 91 के बाद कुछ सेक्शन थोड़ा पॉवर्टी लाइन से भी शायद ऊपर उठे और कुछ लोग भी थोड़ा अमीर हुए, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ती गई, वाइडन होती गई। सो दिस इज कैपिटलिज्म एक्चुअली, दिस इज द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म दैट इट क्रिएट्स फॉस्टर्स इनइक्वालिटी एंड मेक्स अ वेरी फ्यू पीपल रिच, स्पेशली जो हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट। 2014 में आपको मालूम है था कि पूरा सपोर्ट बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कैपिटलिस्ट क्लास से मिला था। कैपिटलिस्ट क्लास ही नहीं, जो पूर्ति मीडिया विच इज ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट सपोर्टेड हिम मोदी, वन मेजर रीजन फॉर हिज सक्सेस। और क्या आपको याद है वो अडानी के प्लेन में आ रहे थे जब इलेक्ट, हम लोग देख रहे हैं और बिगड़ रहे हैं इसकी कॉन्सिक्वेंस। तो अगर आप बिगड़ देंगे तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको याद होगी 2023 में 228.9 million पुअर पीपल इन इंडिया इस साल, एक्चुअली पिछले साल के ही आंकड़े होंगे और कितने मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे और कितने मिलियन हैं किसी को तो याद होगा 166 just 166 बिलियन। सो दैट लिस्ट आल्सो अ थिंग गुड, सबको मालूम है कि कोविड में भी इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, जबकि एक तबका बिता गया बिलो पॉवर्टी लाइन, सारा माइग्रेंट लेबर था हमारा जिनकी नौकरियाँ चली गई, जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो छोटे छोटे धंधे थे सारे बंद हो गए, लेकिन बिग कैपिटलिस्ट मेड मनी ऑन स्टॉक मार्केट एंड एल्सो इन मेड मनी। दो 2020 में जो आधा पॉपुलेशन है उनकी इनकम कितनी थी, अर्निंग जो अर्निंग उन्होंने करी 13% ऑफ टोटल इनकम अर्न, और पूरी वेल्थ जो थी देश की उसमें से उनका कितना, उनके पास सिर्फ 3%। दिस इज 50% ऑफ द पीपल, 3% उनकी टोटल वेल्थ। पैसा गया कहाँ, तो सबसे अमीर 10% है, 77% उनके पास है। और ये 2012 और 21 के बीच में अगर आप देखेंगे 40% जो वेल्थ क्रिएट हुई उस देश में, और वेल्थ क्रिएटर कौन है, तो हमारे आम लोग हैं जो काम करते हैं, तो वो 40% वेल्थ गई 1% तो। और जो सबसे नीचे के तबका था आधा, उनको सिर्फ 3% वेल्थ गई। और अब हम ये भी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेक्टर जो हैं इकोनॉमी के वो यूनिक कैपिटल के हाथ में चले गए हैं और रोज कुछ जा रहा है, जनता के हाथ से निकल के, सरकार के हाथ से निकल के
सब जा रहा है। तो अगर आप रेलवे देखें कितना प्राइवेटाइजेशन, फिर आप पूरा पेट्रोलियम ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स जानते हैं हटाने के बाद भी इतने छोड़ रहे हैं, हाईवे पावर सेक्टर कोल वो कोल के कहा जाते हैं, और हमारे अंबानी जी तो खैर ऑयल गैस पेट्रोलियम के किंग हैं। सर वेरी इंटरेस्टिंग है, अभी व्हाट आई वाज रीडिंग वाज कि जो तेल आ रहा है फिलहाल रशिया से आ रहा है, क्योंकि सैंक्शंस है यूरोप में, यूरोपियंस खरीद नहीं सकते तेल डायरेक्टली, तो हमारे यहाँ रिफाइन होता था, पहले से रिफाइन होता था, हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिफाइनरी जिसकी है रिलायंस की है, और एक नायारा करके कंपनी है जो एक्चुअली रशियन ओल्ड है ग्लोबल कंपनी, तो तेल सारा जो बाहर जा रहा है रिफाइन होकर यहाँ से वो अब कहने को इंडियन ऑयल है और वो जा रहा है यूरोप में। वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स बीइंग प्लेड आउट इंटरनेशनली। फिर ये भी स्पेकुलेशन है कि भैया टैंकर किसके हैं जिसमें इतना तेल अब घर भर के भेजा जा रहा है, तो वो कुछ गुजराती कंपनीज हैं जो ये धंधा कर रहे हैं। अभी डिटेल और निकल के आए कि धीरे धीरे, अभी तक तो थोड़ा बहुत पता चला है जो इंडस्ट्री के कुछ कुछ जर्नलिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो इक्वालिटी की हालत है कि एक तरफ से पूरा कैप्चर कंट्रोल पैसा वहां जा रहा है, और वहां से कितना बाहर जा रहा है उसके आंकड़े तेरे पास तो नहीं है पता नहीं, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे भाग जाएगा क्योंकि कोई कैपिटलिस्ट सारा अपना पैसा यहाँ डालेंगे। एंड एनी वे देयर नाउ वर्ल्ड एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट है, तो कार्मिकल माइंड ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, और अडानी के बहुत इंटरेस्ट है अफ्रीका में, और इसी तरह अंबानी के भी ग्लोबल इंटरेस्ट है, तो जरूर पैसा यहाँ से बाहर जाएगा। ये लोग सिर्फ एफडीआई की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट आएगा, अभी फिलहाल मोदी जी जो गए हैं तो इतनी बड़ी आर्म्स डील हो रही है और बाकी डील्स हो रही हैं, तो वो पैसा यहाँ से कितना जाएगा। जो ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं तो वेरी एक्सपेंसिव, बट हमारी भी कुछ मजबूरी है क्योंकि चाइना के साथ डील करना है, हमने डील करना मतलब चाइना के साथ हमने सामने की टक्कर हो सकती, तो हमें भी जरूरत है। और अगर रशियन आर्म्स स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि अभी तक हमारी ज़्यादा डिपेंडेंस थी रशिया पर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, अब आगे चल के प्रॉब्लम ये है जिस दिन हमारी चाइना से अगर तकरार हुई और रशिया ने कह दिया नहीं हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो इन अ वे वी नीड नॉन रशियन इक्विपमेंट, सो देयर आर पॉजिटिव्स टू दिस डील बट इन अदर वेज देयर आर नेगेटिव्स, एनीवे दैट्स एन एसाइड। हाँ ये है कि अमेरिका में जो जो बाइडेन ने कहा है कि लाखों नौकरियां उनके यहाँ हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस डील, उनकी जी की फैक्ट्री में लोग लग जाएंगे, पर हमारे यहाँ क्या कुछ थोड़ा बहुत सेमी कंडक्टर की असेंबली शायद होगी, पता नहीं देखते हैं हमारे यहाँ कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं इसका अभी कोई अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं है।